हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने जा रहे हैं रिगार्डिंग एरीज। अगर सन मून और राइजिंग की पोजीशन आपकी एरीज यानी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, सिर्फ तीथ आप ध्यान ना देते हो, ध्यान कुछ पे एनर्जीज पे। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, तो हो सकता है एनर्जीज मैच करें, हो सकता है ना करें। अगर मैच करती हैं तो क्लेम करें, अदरवाइज लीव इट। इसमें हम चेक करेंगे कि अक्टूबर मंथ 2022 के लिए आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। तो प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर एरीज मेष राशि फॉर अक्टूबर 2022। ओके, दिस पॉप आउट बट आई एम नॉट गोना टेक इट। ओके, नाउ लेट्स सी टैरो आपके बारे में क्या कहता है। वैसे मैं आपके लिए स्टेबिलिटी देख सकती हूँ, वर्क पे आपका थोड़ा ज़्यादा फोकस है। द हैंगमैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, ओके, आपका चैलेंज है सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला ना, आप अपने काम पे काफ़ी फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रही हूँ, वर्किंग ऑन योर पेंटिकल्स। सो प्लीज एंजल्स एंड यूनिवर्स गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैं देख सकती हूँ पास्ट में चीज़ें काफ़ी रुकी हुई थी आपके लिए, ऐसा कोई खासा मूव नहीं हो रही थी, स्टैग्नेंट पोजीशन या स्टैग्नेंट सिचुएशन मैं देख सकती हूँ। अब आप जिस भी कंसर्न में ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप के कंसर्न में देख रहे हैं या बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या फैमिली के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस पॉप आउट नाइन, किंग ऑफ सोर्स। ओके, प्लीज़ गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर किंग ऑफ सोर्स। मुझे आप जो भी पार्टनर से डील कर रहे हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है लीब्रा राशि के लग रहे हैं। वैसे तो सभी साइन के लिए रीडिंग है। यस, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं देख सकती हूँ कि पास्ट में आपकी जो पोजीशन है काफ़ी रुकी हुई है, स्टैग्नेंट सिचुएशन है, चीज़ें कोई खासा मूव करती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। बट करंट में इन अक्टूबर मंथ समथिंग मेजर इज गोना हैपन इन योर लाइफ फॉर श्योर। प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर सेवन ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई मी सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में कोई बहुत ही मेजर ट्रांजिशन आने वाला है। ओके, आपकी लाइफ में कोई बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है एरीज, दैट फॉर श्योर कुछ बहुत ही मेजर होने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। एंड या तो ये हो चुका है या अभी नियर फ्यूचर में होने वाला है कि आपका कोई पास्ट पर्सन जो है वापस आया है, आपका कोई एक्स है जो वापस आया है। अगर कुछ लोग रिकंसिलिएशन का वेट कर रहे हैं तो रिकंसिलिएशन मैं देख सकती हूँ, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है आपके एक्स के वापस आने से, जो है काफ़ी चीज़ें जो है ड्रास्टिकली चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आपका बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्ड्स। आप मुझे काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, काफ़ी डायलमा में नज़र आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है विच पार्ट टू चूज़ और विच पर्सन टू चूज़ और विच सिचुएशन टू चूज़। आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं, कोई डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये जो न्यू मून आ रहा है वो काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में बदलने वाला है एरीज फॉर श्योर। आपका बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। मैं देख सकती हूँ कि आप चीज़ों पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपकी ग्रेटर गुड के लिए क्या आपको करना चाहिए। आप एफर्ट्स डालते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल चीज़ें आपसे नहीं संभल पा रही हैं। स्लीपलेस नाइट्स देख सकती हूँ मैं, बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन, बिकॉज ऑफ डायलमा, बिकॉज ऑफ नॉट मेकिंग एनी डिसीजन। एंड काफ़ी मेंटली मैं आपको डिस्टर्ब देख पा रही हूँ एरीज। चीज़ें जो हैं करंट में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होने वाली हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ एंड क्यों हुआ। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपके यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपने घमंड को बीच में मत आने दीजिए। आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हो, या अगर ये कोई सिचुएशन के बारे में है या ये कोई एक पर्सन के बारे में जिसके लिए आप डायलमा में हो, तो अगर
आप किसी उस पर्सन को या उस चीज़ को इसलिए चूज़ नहीं कर रहे हो कि आपको अपना ईगो जो है थोड़ा पुट डाउन करना पड़ेगा या आपका प्राइड इफेक्ट होगा, तो प्लीज़ इस चक्कर में गलत फैसला मत लेना। अपने अहंकार को, अपने ईगो को बीच में मत आने दो और स्पिरिचुअलिटी में एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बनाने की कोशिश करो। थोड़ा स्पिरिचुअली अवेकेंड होने की आपको ज़रूरत है, एज दोनों चीज़ें मिलके ही आपकी नैया मुझे पार लगाएंगी ऐसा नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये पूरा महीना आप इन्हीं सारी चीज़ों में जो है निकालने वाले हो। एरीज कन्फ्यूजन से भरा हुआ, पास्ट पर्सन रिटर्न कुछ बहुत ही मेजर ड्रास्टिकली चेंज होगा, मेंटली डिस्टर्ब आप मुझे यही सब नज़र आ रहे हो। थोड़ा स्पिरिचुअली अवेकेंड होने की कोशिश करो एंड चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश करो और फिगर आउट करने की कोशिश करो दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। नाउ एंजल्स गाइड मी फॉर एरीज फॉर अक्टूबर मंथ 2022। रिमेन पॉजिटिव। आपका बॉटम ऑफ द डेक है, यस। आप जिस भी कंसर्न में ये रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली एंजल्स बोल रहे हैं यस, वो होगा, फॉर श्योर होगा। बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। एज आप मुझे पूरे मंथ यही सब सोचते हुए नज़र आ रहे हो, तो आपके एंजल्स आपके बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहो, चीज़ें आप ही के फेवर में मूव होंगी एंड जैसा आप चाह रहे हो वैसी होंगी। ओके, दिस पॉप्स आउट। रिलीजियस फैक्टर। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। मैं बोल रही हूँ ना, आपको स्पिरिचुअली अवेकेंड होने की ज़रूरत है। मेडिटेशन ट्राई करो। एज करंट में आपकी जो लाइफ है वो 180 डिग्री का टर्न मारने वाली है फॉर श्योर। एंड अगर आप थोड़े रिलीजियसली अवेकेंड हो गए, स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गए, तो आप जो है चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सोच पाओगे और इस कन्फ्यूजन से निकल पाओगे। आपका बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग फैमिली इश्यूज। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं पेरेंट्स से जो है इन लॉज हो सकते हैं, या पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, या फैमिली हो सकते हैं, या पार्टनर हो सकते हैं। आपको जिसको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है ना, उसको रिलीज़ करो। जैसे मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग मेरे को थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी नज़र आ रहे हैं, तो आपको जो सर्व कर रहा है आप वो चुनो एंड रिलीज़। अपने जो अपने आप को हील करो, है ना, जो आपकी ग्रेटर गुड के लिए है वो करो। एंड जिसको नेगेटिवली रिलीज़ करने की ज़रूरत है उसे रिलीज़ करो, खुद के लिए करो, अपने ग्रेटर गुड के लिए करो एरीज़। So that's all I have for you. Hope this reading helps. All the very best and thank you so much.